नमस्ते, आज हम ढाई आखर प्रेम के अंतर्गत फिर से एक बार बात करेंगे राम पुनियानी से। जैसा कि आप जानते हैं, देश भर में किसान आंदोलन हो रहा है और किसान आंदोलन पूरे 60 दिन से अहिंसक रूप से, उसमें कोई भी हिंसा नहीं आ सकती, इस तरह से यह आंदोलन चल रहा था। तो इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए हिंसा कराई गई और हिंसा कराकर इसी आंदोलन को बदनाम करके इसे हिंसक आंदोलन बताया गया। तो इस पूरे माहौल में गांधी जी की प्रासंगिकता क्या है और गांधी जी के रास्ते पर चलकर यह आंदोलन कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकता है? जैसे नए नए प्रयोग गांधी जी आंदोलन के करते थे, तो ये भी आंदोलन किस तरह से नए प्रयोग कर रहा है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। राम पुनियानी जी, आज के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक किसान आंदोलन का संबंध है, अगर आप देखें तो शुरू से लेके अभी तक जो करीब 2 महीने के आसपास हो रहे हैं, इस पूरे आंदोलन में कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया गया। और 26 जनवरी को जो घटना हुई, उसमें भी मेरा अंदाज ये है कि किसान आंदोलन के मुख्य घटक, इसके मुख्य कंपोनेंट उस हिंसा में शामिल नहीं थे, उस हिंसा में शामिल नहीं थे। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि इस आंदोलन को तोड़ने के लिए कुछ हिंसक तत्वों को प्रेरित किया गया, जिन्होंने जो पुलिस के साथ एग्रीमेंट था कि रैली 12 बजे निकलेगी, उसको तोड़कर 8 बजे निकाली, और जो था कि लाल किले पे नहीं जाएंगे, उस लाल किले पे गए। तो यहाँ एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप देखें, इस घटना को भी अगर आप देख लें, तो पूरे आंदोलन में जो ज्यादातर जाने गई हैं वो किसानों की गई है, 100 के करीब। चौरी चौरा में क्या हुआ कि एक उग्र हिंसा वाली भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर को आग लगा दी और उसमें पुलिस कर्मी मारे गए। यहाँ जो मुख्य जो विक्टिम हुए हैं वो किसान ही हुए हैं, वो ट्रैक्टर पे उलटने से भी जो मरा वो भी किसान है। और मैं कहूँगा कि 90% से ऊपर ये आंदोलन अहिंसक रहा है, इसलिए इस आंदोलन को वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। और आज के दिन हम जब देख रहे हैं, 30 जनवरी के एक दिन पहले भी, 29 जनवरी को अगर आपने ख्याल किया होगा, तो राजेश टिकैत की बहुत महापंचायत हुई, उसमें बहुत लोग आए, फिर से उन्होंने अपने आप को समर्पित किया कि हम अहिंसा के रास्ते पर चल कर ही अपनी बात मनवाएंगे। अब ये इसमें आज की प्रासंगिकता में सबसे सामने ये दिखता है कि पूरा का पूरा आंदोलन गांधी जी के रास्ते पर चल रहा है और हजारों ट्रैक्टर, लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हैं और वो अपनी बात को सामने रख रहे हैं। अब जहाँ तक गांधी जी से जुड़े हुए दूसरे सवालों का सवाल मुद्दों का सवाल है, वो भी हमें समझ लेना चाहिए। जैसे आप जानते होंगे कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए, तो सबसे पहला काम किया उन्होंने, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में बैठकर पूरे देश को उन्होंने देखा। थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया, देश की गरीबी देखी, देश की समस्याएं देखी। उन्होंने अपनी वेशभूषा, जो एक ब्रिटिश बैरिस्टर थे, वहां से बदल के उन्होंने आधी धोती पहनने का काम किया। ये भी एक प्रतीक था कि वो देश के आम लोगों से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देश के आम लोगों की तरह वो अपने समाज में अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो ये उनकी पहली बात थी। फिर अहिंसा का रास्ता हो, सत्याग्रह की बात जो हमने की, ये उनकी इजाज़ थी। और इसी उनके सिद्धांतों को लेकर बहुत बड़े बड़े दुनिया में आंदोलन हुए। अगर आप देखिए तो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला लगातार लिखते हैं कि मेरे पूरे आंदोलन की प्रेरणा महात्मा गांधी रहे हैं। अमेरिका में अश्वेतों के नेता मार्टिन लूथर किंग, ये इन्होंने भी लगातार कहा है कि मेरा प्रेरणा का स्रोत महात्मा गांधी रहे हैं। वो एक ईसाई थे और उन्होंने महात्मा गांधी के जब अहिंसा के सिद्धांत को देखा, और उन्होंने महात्मा गांधी ने जिससे सुंदर तरीके से सब धर्मों की अच्छी चीज़ों को पकड़ कर इस बात को रखी, तो उसमें ये बात स्पष्ट हो गई। तो ये एक गांधी जी का एक ये तरीका था, सत्याग्रह उनका एक आविष्कार था राजनीतिक जीवन में। पर इसमें आप दूसरी चीजें देखिए कि उन्होंने अपना मुख्य उद्देश्य रखा कि हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाना है।
अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाना है, जहां भी अत्याचार होगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसीलिए उन्होंने चंपारण में किसानों के साथ खड़े होकर आंदोलन किया, और जो बाकी उन्होंने देश की आजादी के लिए मुख्य जो कदम उठाए उसमें 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बाद फिर दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 का, और सबसे बड़ा 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। अब गांधी ने हर समय ये ख्याल रखा कि एक तरफ उनकी जो राजनीति थी वो देश के अलग अलग लोगों को जोड़ रही थी। ये बात सबसे गांधी का महत्वपूर्ण जो योगदान आजादी के आंदोलन में है वो दो, एक आम जनता को अंग्रेज सत्ता के खिलाफ खड़ा करना। उसके पहले भी बहुत सारे कांग्रेस नेता थे जो अपने अपने तरीके से पिटीशन लिख रहे थे और अंग्रेज सरकार को लेटर्स लिख रहे थे। गांधी जी ने ऐसा काम किया जिससे ये ब्रिटिश विरोधी आंदोलन जन आंदोलन के रूप में बन गया, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जितने भी देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए उसमें गांधी जी का ये तरीका, लोगों को उसमें शामिल करने का तरीका, ये एक बहुत महान काम था। दूसरा, कभी कभी आप उनके नमक के सत्याग्रह को देखें तो नमक सत्याग्रह में उन्होंने कोशिश की कि पूरा जो प्लानिंग हो, प्लानिंग ऐसी हो कि लोगों में जागरूकता बढ़े, लोगों में कि जो सरकार नमक के ऊपर टैक्स लगा रही है उस सरकार के बारे में जागरूकता पैदा करने का जो दांडी मार्च के माध्यम से उन्होंने किया प्रयोग, वो एक अद्भुत प्रयोग था। पूरे देश में, पूरी दुनिया में अंग्रेजों के अत्याचार की बात फैल गई और ज्यादा लोग और महात्मा गांधी के आंदोलन में जुड़ने लगे। ये इनकी पहली खासियत। दूसरा, देखिए उन्होंने यहाँ उनकी जो धर्म की समझ थी वो बहुत गहरी थी। धर्म को वो केवल पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद, किताबों के रूप में न देखकर एक आध्यात्मिक ताकत के रूप में देखते थे, और आध्यात्मिक ताकत के रूप में जब देखते थे तो, और उसमें उनका संपर्क इस्लाम से भी आया, उनका संपर्क ईसाइयों से भी आया। उनकी माँ खुद प्रणाम पंथी नाम के एक हिंदू सेक्ट में आती हैं, जहाँ मुसलमान जो प्रॉफिट हैं उसको बहुत आदर से देखा जाता है। उन्होंने सभी धर्मों में सभी धर्मों को देखने की कोशिश की, और इस कोशिश में उन्होंने धर्मों के जो अच्छे मूल्य थे उनको स्वीकार किया। तो एक तरफ तो उस समय सांप्रदायिक ताकतें थी जो अंग्रेजों के इशारे पर या वैसे ही कुछ कर रही थी जो अंग्रेजों को सूटेबल था, उसमें मुस्लिम लीग हो, हिंदू महासभा हो, वो दोनों इस प्रकार से धर्म के नाम के राष्ट्रवाद का बढ़ावा दे रहे थे, धर्म के नाम का राष्ट्रवाद बढ़ावा दे रहे थे। और गांधी थे जिन्होंने कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो धर्म के साथ लोग अपना धर्म का पालन करें, पर जहां तक आंदोलन का, जहां तक राष्ट्र का सवाल है, एक भारतीय राष्ट्र की कल्पना उसमें की जिसमें सभी धर्मों के लोगों की बराबर की जगह है। और ये वैसे आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस के इतिहास में भी आपको दिखेगा, कांग्रेस के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता, ऐसे कितने लोग इसके अध्यक्ष रहे। ये केवल एक मैं प्रतीक के रूप में बताता हूँ कि कैसे कांग्रेस ने सभी धर्मों के लोगों को जोड़ने की कोशिश की। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो नवाबों से निकली थी और जिसमें बाद में चलकर कुछ अपर वर्ग के लोग मिल गए, उन्होंने बात की कि भाई हमको यहाँ एक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, और उन्होंने जो मुस्लिम राजा को अपना आदर्श बताया, और जो हिंदू राष्ट्र को मानने वाले थे वो हिंदू राष्ट्र को मानने वाले, शुरुआत भी हिंदू राजाओं से हुई, हिंदू जमींदारों से हुई, बाद में चलकर सवर्ण सभ्रांत एफ्लुएंट लोग उनके साथ जुड़ गए। तो ये तीन प्रकार का राष्ट्रवाद आजादी के दौरान, आजादी के आंदोलन के दौरान हमारे पास साथ था, और गांधी ने जो रास्ता अपनाया वो पूरे देश को जोड़ने का रास्ता था। अब ये एक बात हो गई, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी उनके जीवन का एक मुख्य उद्देश्य 1940-45 के बाद बन गया, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिक था, एक तरफ हिंदू सांप्रदायिक था, इनके बढ़ने के कारण कहीं कहीं दंगे भी होते थे, और बाद में जब पार्टीशन की बात आई
तो उसके बाद तो बहुत दंगे हुए, उसके पहले उसके बाद बहुत दंगे हुए, और फिर वो नोआखाली में हो या कलकत्ता में हो या पंजाब में हो, भयंकर दंगे हुए। और गांधी जी ने उस समय तक अपने शिष्यों को तैयार कर लिया था कांग्रेस में, क्योंकि पूरी लोकतांत्रिक तरीके से चलती थी, लोकतांत्रिक तरीके से चलती थी। इसलिए गांधी के शिष्यों के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सब नेतृत्व आ गया था। और जब आगे की बात चली तो उन्होंने ये जो अंग्रेजों के साथ डील करना था वो काम नेहरू और पटेल पर और मौलाना आजाद पर छोड़ दिया, और खुद उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो था हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता पैदा करने का, ये उनका एक। दूसरा, अब जैसे भारत में कास्ट सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था के बारे में एक तरफ महात्मा ज्योतिराव फुले, बाद में आकर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने समता की बात की। तो इसी समता की बात को लेकर, क्योंकि भारत एक राष्ट्र बन रहा था, भारत के राष्ट्र के बनने में एक तरफ उद्योगपति ऊपर आ रहे थे, शिक्षित वर्ग ऊपर आ रहे थे, और दलित और महिलाओं का जहाँ तक सवाल था, उनको समाज के मुख्य धारा में जो आंदोलन कर रही थी उसमें लाने का श्रेय ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, भीमराव अंबेडकर को जाता है। और गांधी ने भी जो ऐसे 1932 में मैकडोनल्ड अवार्ड दिया था कि भाई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी हो मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए, तो गांधी ने उसका विरोध इसलिए किया कि हम दलितों को भी अपने समाज का भाग बनाना चाहते हैं, इज्जत से उनको इज्जत देना ये हमारा कर्तव्य है, और इसलिए उन्होंने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की। और जहाँ तक अम्बेडकर और गांधी का संबंध है, आज बहुत गलत तरीके से उनको प्रस्तुत किया जाता है। गांधी ने केवल जो अपील की थी, वो अपील ये थी कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के में एक दलितों का समाज से अलगाव होना निश्चित है, जैसे मुसलमानों के बारे में हो गया, तो दलित इस समाज का भाग रहे और उनको यहाँ एक आरक्षण मिले, और ये आरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत इसी से होती है। फिर उन्होंने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर का जो मुख्य उद्देश्य है समता प्राप्ति का, उसके खिलाफ सबसे बड़ा जो रोड़ा था वो था छुआछूत, अनटचेबिलिटी, वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था और अनटचेबिलिटी ये साथ साथ चलते हैं। तो देश में अंबेडकर के बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन छुआछूत के खिलाफ छेड़ा वो महात्मा गांधी ने छेड़ा, और वो अंबेडकर के विचारों से पूरा उसको तो कंसीड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सभी जातियों को लेके चलना था। तो उन्होंने छुआछूत के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया, यहाँ तक कि उनके साबरमती आश्रम में जब वो एक दलित परिवार को उन्होंने अडॉप्ट किया, तो उस दलित परिवार को अडॉप्ट करने के कारण कई लोगों ने उनके आश्रम को चंदा देना बंद कर दिया। ये बंद होने पर आ गया उनका आश्रम, पर जब बंद होने के एक दो दिन पहले उन जो घोषणा की एक बड़े उद्योगपति, अहमदाबाद के बड़े उद्योगपति मेरे वो आए और उन्होंने एक बड़ा बहुत बड़ा चंदा दिया, जिससे वो आश्रम बन गया, बच गया। दूसरी बात देखिए, छुआछूत के खिलाफ और जाति व्यवस्था में एक समता आए, इसके लिए गांधी जी ने निर्णय लिया कि जब भी मैं केवल उन्हीं शादियों को अटेंड करूँगा जो अंतर जातीय है। अब ये भी इसका भी रेलेवेंस देखिए, अगर इसी बात को आगे बढ़ाया जाए अंतर जाति को, तो अंतर धार्मिक भी आ जाएगा उसमें। आज लव जिहाद के नाम पे उस प्रक्रिया को उल्टा करने की कोशिश की है। और अंबेडकर जी ने जब दूसरी शादी की जो एक ब्राह्मण लड़की थी, तो अंबेडकर जी ने भी लिखा आज अगर गांधी होते तो इस बात से बहुत खुश होते कि एक अंतर जाति विवाह हो। फिर कई लोग आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अंबेडकर पर अन्याय किया वगैरह वगैरह, पर आप याद रखिए कि अंबेडकर कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, फिर भी गांधी जी ने आग्रह किया कि अंबेडकर को पहली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर की पद देना चाहिए, और दिया। फिर से सवाल आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाना था, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन बने, फिर से गांधी जी ने सुझाव दिया कि अंबेडकर को इसका ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। तो एक तरफ जहां उन्होंने दलितों के सवाल को लिया, फिर हिंदू मुस्लिम एकता को तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर लिया, इसीलिए इतने बड़े मुसलमान नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, रफी अहमद किदवई,
एम एम अंसारी, बरेलवी के मौलाना, देवबंद के मौलाना, ये सब गांधी जी के साथ थे, ये सब इनके विचारों को लेकर चल रहे थे। तो हमारे देश में जो मुख्य समस्या थी, हिंदू मुसलमान जो पैदा की गई अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण, और चलकर हमने इन चीजों को देखा, गांधी जी ने उसके विरोध में खड़े हुए, छुआछूत का सवाल था उसके विरोध में खड़े हुए, और अंग्रेजों का कॉलोनियल पावर था, यहाँ की जो मुख्य समस्याएं थी गांधी जी ने उनका निकाल कर देश को आजादी दिलाने के साथ साथ, देश को आजादी दिलाना एक है पर देश का बनना ये बराबरी को लाकर होता है, और उसके लिए गांधी ने बहुत प्रयत्न किए देश के बनने में, दलितों को एक समान जगह मिले और हिंदू का हो, ये दो बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोड़े थे जिसमें गांधी जी ने अपना पूरा पूरा योगदान दिया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे कई बार आजकल आपने सुना होगा, अभी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी तो लोग ये भी फैलाते हैं कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को आदर नहीं दिया, कांग्रेस से उनको स्थान नहीं दिया, पर याद रखिए कि बड़े बड़े नेताओं में मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। दो बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मतभेद कहाँ हुआ गांधी जी से उनका? गांधी जी कहते थे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ है, हम आंदोलन के माध्यम से आजादी को प्राप्त करेंगे। सुभाष बोस कहते थे कि नहीं, अंग्रेजों के दुश्मन जो हैं जर्मनी और जापान, उनसे मिलकर हम आजादी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पर दोनों का उद्देश्य था कि भारत सेक्युलर हो, भारत आजाद हो, तो इसमें और उसमें सुभाष चंद्र बोस में बहुत समानता थी। सुभाष समाजवादी थे, इसलिए कांग्रेस से निकलकर उसने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, और जब आजाद हिंद फौज बनाई उस समय आजाद हिंद फौज में भी उन्होंने, अगर आप देखेंगे उनके महत्वपूर्ण सेनापति उनमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। सिंगापुर से वो महात्मा गांधी को पत्र लिखते हैं और महात्मा गांधी को एड्रेस करते हैं राष्ट्रपिता के रूप में, राष्ट्रपिता बापू मैं देश की आजादी के लिए ये फौज बना रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। और देखिए सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में जो पहली तीन ब्रिगेड थी, उन ब्रिगेड के नाम क्या थे? पहली ब्रिगेड का नाम गांधी ब्रिगेड, दूसरे का नाम नेहरू ब्रिगेड, तीसरे का नाम मौलाना ब्रिगेड। ये सुभाष चंद्र बोस थे जिनके बारे में आज गलतफहमी फैलाई जाती है कि वो गांधी से इतने मतभेद रखते थे। और फिर द्वितीय महायुद्ध के बाद आजाद हिंद फौज पर मुकदमा हुआ, और मुकदमा लड़ा किसने? मुकदमा कांग्रेस के वकीलों ने लड़ा, कैलाश नाथ काटजू एक, और उसमें खुद जवाहरलाल नेहरू ये वकील का चोगा पहन के इन्होंने आजाद हिंद फौज के लिए वकालत की। तो ये जो गांधी के नेतृत्व में ये सब जो विकास हुआ उसकी मुख्य बातों को समझना हमारे लिए जरूरी है। और आज जो ताकतें मेरे ख्याल से मुख्य रूप से सांप्रदायिक ताकतों का की पहुंच इतनी बड़ी है, उनकी शाखाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, कि वो इसके खिलाफ गलत प्रचार करते हैं, तो एक तरफ से उनकी मजबूरी है कि गांधी पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, आज दुनिया में हर देश में उनके नाम पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हैं, यूनाइटेड नेशंस में उनके काम की सराहना करके 2 अक्टूबर को शांति दिवस के रूप में घोषित किया है, तो और पूरे देश में भी हर जगह गांधी का नाम है, तो उनको इग्नोर तो कर नहीं सकते, उनको नज़रअंदाज तो कर नहीं सकते, तो ऊपरी तौर से उनका उनको नमन करना, प्रातः स्मरणीय कहना, और मूल्यों के आधार पे गांधी के हत्यारे कहना कि वो देशभक्त था, ये साथ साथ चल रहा है, वो चालक चल रहा है। तो हमें आज गांधी जयंती के मौके पर इस चाहिए, गांधी निश्चित रूप से राष्ट्रपिता थे, उन्होंने एक मध्य मार्ग अपनाया, चीजें अम्बेडकर से ली, कुछ चीजें जो समता की थी, यहाँ के मजदूर आंदोलन, दूसरे आंदोलनों की भी बात की, और यही था कि इसी के परिणाम स्वरूप हमारा वो संविधान बना जो हम सबको स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय के मूल्य देता है। तो मुझे लगता है इसमें आज गांधी जी के ऊपर एक डबल अटैक होता है, एक तरफ उनको स्वच्छता अभियान का प्रतीक बनाना और दूसरी तरफ उनके हत्यारे
गोडसे की पूजा करना, उसको जो लोग देशभक्त कहते हैं इन्हीं पार्टी, तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि गांधी को इग्नोर नहीं कर सकते, चुनावी मामले दुनिया में अपनी इज्जत का सवाल है, इसलिए गांधी को वो कर सकते, और ये मूल्यों का सवाल है, उससे गांधी का पहला सिद्धांत आखिर में जो आ गया था वो था हिंदू मुस्लिम एक, और हिंदू मुस्लिम एक का ये कहते थे कि सरकार की नीति, सरकार की नीति कि वो जो समाज के आखिरी व्यक्ति तक की भलाई, और आज की सरकार की अगर आप नीतियां देखें तो पेट्रोल की कीमतें, जीने की कीमतें, हमारा जीने का गरीबी का बढ़ना, लॉकडाउन में मजदूरों का बुरा हाल उसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ एक बात और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि गांधी जब कहते थे तो एक सोमनाथ के मंदिर के वाक्या की बात बहुत इम्पोर्टेंट है गांधी के जीवन के। आपको याद होगा अभी पूरे देश में राम मंदिर के नाम पे, चंदे के नाम पे, राम मंदिर के चंदे के नाम पे कई घटनाएं हो रही हैं, और इसी राम मंदिर को हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर उसका उद्घाटन किया। आजादी के बाद कई जगह मांग उठी कि सरकार ने सोमनाथ का मंदिर का करना चाहिए, गांधी में जिंदा थे, उन्होंने कहा इस प्रकार के मंदिर बनाने के लिए हिंदू समाज समर्थ है, सरकार ने तो देखना चाहिए कि लोगों के की कपड़ा मकान। तो मुझे लगता है कि गांधी की इन शिक्षाओं के आधार पे अगर हमारा समाज चले तो निश्चित रूप से खुशहाली का वातावरण, ये सबके बीच में जो हम चाहते हैं कि समाज के सभी लोग खुश रहें और उनको उनकी मूलभूत जरूरतें मिले, उनको इज्जत से जीने का अधिकार मिले, इसके विरोध में आज नीतियां चल रही है। इसलिए मुझे आज गांधी की प्रासंगिकता पहले से भी ज्यादा है। एक तरफ आपने देखा होगा कि यहाँ माइनॉरिटीज को कितना हाशिए पे ढकेला जा रहा है, दूसरी तरफ दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार पहले से बढ़ते जा रहे हैं। आज उसे आदरांजलि देते हुए मुख्य काम किसान आंदोलन, ये समाज के उन लोगों का आंदोलन है जिनमें धनी किसान भी है, मीडियम किसान भी है, गरीब किसान भी है, पर गांधी जी ने कहा था देश की नीति ऐसी हो जो सरकार के लाइन के आखिरी व्यक्ति को अपनाई जाए। उस संदर्भ में आज के आंदोलन के दौरान गांधी की इस बात अपने सामने रखना बहुत जरूरी है। राम पुनियानी जी, आपने पूरा विस्तार से बताया सब, फिर से मैं थोड़ा सा उनके आंदोलन के तरीकों पर आना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला, उन्होंने ये कहा था कि जो कमजोर व्यक्ति है वही हिंसा करता है, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो कभी हिंसा नहीं करता है, और दूसरा उन्होंने आंदोलन में नैतिक बल को उन्होंने बात की थी। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जो जब भी उन पर कोई केस होता था तो वो केस की सजा को एक्सेप्ट करते थे और जेल में जाते थे। तो ये सब जो उन्होंने नए नए तरीके सत्य के प्रयोग और आंदोलन के प्रयोग उन्होंने व्यक्त किए, थोड़ा सा उस बारे में आज के प्रासंगिकता के से जोड़ते हुए बताइए जरा। देखिए, ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनका मुख्य जो अभी जो जैसे शाहीन बाग में हिंसा कराई गई तो राजनीतिक उद्देश्य से कराई गई, जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, किसान आंदोलन में भी मुझे लगता है कि ये प्रायोजित हिंसा है, और जैसे गांधी जी के वाक्य में मैं इतना ऐड कर दूं कि कमजोर लोग हिंसा करते हैं या लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंसा करवाते हैं, तो ये शाहीन बाग के मामले में और किसानों के आंदोलन में ये दोनों बातें लागू है। जहाँ तक किसानों का सवाल है वो मेरे ख्याल से पूरी तौर से गांधी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, और ये बात अगर आप मुख्य रूप से देखें तो किसानों के इसमें वो शक्ति दिखती है, वो ऊर्जा दिखती है जो आध्यात्मिकता से आती है, जो अपनी जरूरतों से खड़ी होती है, तो उसका अगर हम ख्याल रखें तो निश्चित रूप से आपका ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कमजोर और शक्तिशाली, और उसी में एक ऐड करूंगा कि जो कमजोर है और उसी के साथ साथ जो सत्ता के लालच में चिपका रहता है, जो अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहता है, वो भी हिंसा करवाता है, वो इस चालाक तरीके से करवाता है कि लगता है कि दूसरों ने ही हिंसा की शुरुआत की। और ये बात कई
कम्युनल वायलेंस की कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि जो कुछ लोग सत्ता में आना चाहते हैं वो धर्म के नाम पे हिंसा करवाते हैं, और हिंसा ऐसी करवाते हैं कि लगता है कि अल्पसंख्यकों ने इसकी शुरुआत की। तो ये एक बहुत आध्यात्मिक सवाल है, और मुझे लगता है कि इसी आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर हमारे समाज का ज्यादा विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी। मैं इसको इसी तरह से लेता हूँ कि जब हिंसा के आरोप आंदोलन पे लग रहे थे, किसान आंदोलन पे, और उनको हिंसा करने वाला बताया जा रहा था, तभी उन्होंने जो रास्ता चुना कि हम एक दिन का अनशन करेंगे गांधी जी की पुण्यतिथि पे, और हम फिर से अपने आप को समर्पित करेंगे कि ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक होगा और गांधी के मार्ग पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने इस समय जब इन विचारों के, गांधी विचारों की बहुत जरूरत थी, तो आपने ये बात रखी। हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे अगले हफ्ते। देखते रहिए ढाई आखर प्रेम का, जिसमें राम पुनियानी जी से फिर से हम बात करेंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू।